ये हमारे सब कंप्यूटराइज है, आपको रिकॉर्ड दिखा सकते हैं हम लोग जी। हमको स्पीड पोस्ट नहीं, एक चीज और है इसमें, एक चीज और है, कोरियर सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। ठीक है सर, आज चाहेंगे कि हम लोग फ्लैटली पर काम बात करें। ब्रॉड आउटलाइन है हम लोग, ये बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्टिव है कि लोग जो है फ्लैटली से वापस जुड़े, क्योंकि फ्लैटली बहुत ही पॉपुलर हॉबी रही है, पर काफ़ी दिनों से बच्चे जो है आजकल टीवी और कंप्यूटर और साइबर और वीडियो गेम्स, मतलब इस तरह के गेम्स में ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और आपस में जो फ्लैटली से लर्निंग है, फ्लैटली से जो एडुकेशन के अलावा एक बॉन्डिंग है, पेन लोग पहले पेन फ्रेंड्स बनाए करते थे, क्योंकि चिट्ठियाँ आएंगी नॉर्वे से आएंगी स्वीडन से, हम लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, मैंने खुद किसी से कि बाहर से चिट्ठियाँ, इसमें स्टैम्प्स कलेक्ट करेंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर एरिया के स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे वो सर, या आपस में मिलकर हम लोग स्टैम्प्स एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, दोस्त लोग शाम को मिलते थे, भाई हम कौन से स्टैम्प्स, तो हम चाहते एक वो इंटरेस्ट वापस रिवाइव हो। उसके साथ साथ जैसे सुधाकर साहब ने भी बोला, ये बड़ी इनरिचिंग, मतलब आप अगर इसको अभी से कलेक्शन करेंगे तो आपकी वैल्यू स्टैम्प्स कलेक्शन की, और बहुत महंगी हॉबी शुरू में नहीं है, आप अभी बच्चे लोग शुरू करेंगे उनकी हॉबी से बहुत इसकी कलेक्शन की वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है। स्टैम्प्स अभी कुछ कई स्टैम्प्स जो है लाखों में और करोड़ों में भी हैं, और लोग आपको स्टैम्प्स दिखाई भी देंगे, जो लाखों के स्टैम्प्स अवेलेबल हैं वो जो डिस्प्ले पे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके अलावा ये बहुत से लोग हैं जो फ्लैटलिक वेंडर्स हैं, जो सिर्फ इसी हॉबी से अपना सस्टेन कर रहे हैं अपने आप। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट इज कन्फर्ड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, पोस्ट डिपार्टमेंट इज इशूड स्पेशल स्टैम्प ऑन सचिन तेंदुलकर, इट इज अवेलेबल। हम लोगों ने स्टैम्प इशू किया तब भारत रत्न को मिला। ये डाक टिकट प्रदर्शनी 11वीं हम लोग मध्य प्रदेश लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका कि शुभारंभ कल डीजी पुलिस करेंगे। इसमें पहले जो स्पेशल कवर का विमोचन हम कर रहे हैं, वो पुराने जो स्टैम्प्स जो प्रिंसली स्टेट्स पे 100 साल 150 साल पहले इशू हुए थे, देवास में, इंदौर में, भोपाल में, उनके ऊपर है। और कल शाम को हम लोग वाइल्ड लाइफ पे एक स्पेशल कवर का विमोचन करेंगे, जिसपे कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ रहेंगे। अगले दिन हम लोग एम्स पे कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे अभी नया भोपाल में शुरू हुआ है, और जिसका कि विमोचन डॉक्टर विनोद कुमार सिंह करेंगे। अगले दिन टूरिज्म पे हम लोग एक विमोचन कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर पंकज राग जी करेंगे, और शाम को जो क्लोजिंग फंक्शन है वो डीजी लोक आयुक्त श्री सुखराज सिंह करेंगे। ये पूरे तीनों दिन मेक माई स्टैम्प का इनॉग्रेशन भी कल शुरू होगा, जिसमें कि लोग आके अपना स्टैम्प खुद अपनी फोटो के साथ ले परचेज कर सकते हैं। ये 12 की शीट में हम लोग रिलीज़ करेंगे, जिसमें कि 400 उसकी वैल्यू है। ये बहुत ही पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, बहुत ही पॉपुलर ये स्कीम रही है, हमें बहुत भरोसा है कि सब बच्चे और सब लोग, आप लोग इसका मैक्सिमम इसको यूज़ करेंगे और इसको जगह जगह भेज के और पॉपुलर करेंगे। साथ साथ पूरे तीनों दिन डाक विभाग ने बच्चों के लिए तरह तरह की कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए हैं, क्विज़ हैं, वर्कशॉप हैं, लेटर राइटिंग है, पेंटिंग है, इस सब में भी बच्चों को उनके जज किया जाएगा, उनको प्राइजेस दिए जाएंगे, और फ्लैटली के बारे में जानकारी भी डिसिमिनेट की जाएगी, क्योंकि एमिनेंट फ्लैटलिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत अच्छे कलेक्शन बाहर से भी आ रहे हैं, जूरी के इन्वाइटी क्लास के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने अवार्ड जीते हुए हैं, तो वो भी आप सबको, भोपाल शहर के लोगों को, निवासियों को उसको देखने का अवसर मिलेगा।